गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इफ वी एक्सप्रेस वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन टर्म ऑफ एक थर्ड वेरिएबल, इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल, देन दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक. तो देखिए, जब हम x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू एफ टी, एक्स एंड y वेरिएबल को हम किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए आप कैसे करेंगे. हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी हमें थर्ड वेरिएबल गिवन होता है उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं. तो इसमें देखिए, y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t. जब हम dy वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तब हम क्या कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे dy वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी. इस तरह से हम पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं. तो चलिए, टुडे वी विल डिस्कस फ्यू सम्स of exercise 7.7 and first sum is first part of first sum. X is equal to 280 square, y is equal to 480 we have given, and dx by dt we have to differentiation with respect to t, the both of variables. सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो dx एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, 2a हमारा एक कॉन्स्टेंट है, तो 2a को हम अलग रखेंगे बाहर. t स्केयर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर t की कम हो जाएगी. तो ये रहा इसका डिफरेंशिएशन. तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आया, 4a t. ठीक है, अब हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. तो dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4a इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. 4a को एक तरफ रखेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज 4a. अब हम निकालेंगे dy वाई बाई डी एक्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे dy वाई बाई डी टी by dx by dt. तो यहाँ से देखिए, dy by dt हमारा आया 4a और dx by dt हमारा आया 4a t. 4 से 4 कैंसल आउट a से, देन 1 by t इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म्स. अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. सेकेंड में देखिए, सेकेंड x इज इक्वल टू 380 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर वी हैव गिवन, एंड y इज इक्वल टू 380 स्क्वेयर बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफ्रेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t. dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, u बाई वी की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, तो हमें यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. और एज यू नो वेरी वेल, द कोशेंट रूल इज ऑफ डिफरेंशिएशन, u बाय वी इज इक्वल टू v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन. दिस इज द कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो अब देखिए, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, 380 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a, फिर माइनस 380 एज इट इज, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t. क्लियर, यहाँ पे हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3a प्लस 380 स्क्वायर माइनस 3 6a t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहाँ से 3a 380 स्क्वायर माइनस 680 स्क्वायर, 3a माइनस 3a t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का
होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे 3a एंड 3a वी टेक बोथ आर कॉमन, तो यहाँ से हम 3a को बाहर लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, 3a 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास dx बाय dt. एंड अब हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन, dy बाय dt. क्वोशन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे भी, तो देखिए क्वोशन रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, 3 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, 3 एज इट इज, टी स्क्वायर का बनेगा 2t, तो ये बनेगा 6at माइनस 3at स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t. तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy by dt इज इक्वल टू बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 6at को अंदर, तो 6at प्लस 6at क्यूब माइनस 6at क्यूब, देन dy dt वी गोट 6at क्यूब, 6at क्यूब कैंसिल आउट, 6at बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम निकालेंगे dy बाय dt, तो dy बाय dx निकालेंगे, तो dy बाय dt बाय dx बाय dt. तो देखिए dy बाय dt 6at बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हुए, हमारे पास क्या आया 6at बाय 3a 1 माइनस टी स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट, ये 2 पे गया, तो ये हमारे पास आया 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर. ये आया हमारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन. ठीक है, आई होप कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ हम करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट. बहुत ही इजी सम है पैरामेट्रिक फॉर्म के, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको. तो देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम करेंगे, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे, u बाय v के फॉर्म में है, तो यहाँ फिर से हम क्वोशन रूल अप्लाई करेंगे. क्वोशन रूल अप्लाई करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t. ठीक है, तो यहाँ पे a 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2t माइनस 2t क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में रहेगी, प्लस 2t प्लस 2t क्यूब. क्लियर, ए यहाँ पे कैंसिल आउट होगी टर्म, यहाँ हमारे पास बचा 4t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास dx बाय dt, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dx बाय dt. एंड y इज इक्वल टू dy बाय dt इज इक्वल टू वही 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज 2t का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2t एज इट इज, एंड 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t. क्लियर, dy बाय dt इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 2 4 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, एंड इनमें से 2 कॉमन आ सकता है तो बाहर 2 ले लेंगे, ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? तो अब निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, देन 2 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय डी एक्स बाई डी टी, देन ए को हम अंदर इंक्लूड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुए और ये 2 से 4 2 पे, तो ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 280। दिस इज़ द आवर डिफरेंशिएशन। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट का हम फोर्थ सम करेंगे, फोर्थ पार्ट फर्स्ट का। x इज इक्वल टू a अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस टी टी स्क्वायर प्लस 1, एंड y इज इक्वल टू a t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बाहर कॉन्स्टेंट गिवन है और यहाँ पे हमें t वेरिएबल भी गिवन है और ये एक फंक्शन भी गिवन है, तो यहाँ पे हमें टू फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा और कोशेंट रूल भी अप्लाई होगा। तो देखिए हम किस तरह से सम करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे, ए को एज इट इज़ ले लेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एक बार हम मान लेंगे अंडर रूट यू। अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हैं, डी बाई डी एक्स अंडर रूट यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट यू, देन 1 बाई 2 अंडर रूट यू हम इसका करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 1 बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब इस अंदर वाले टर्म का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2 टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन 2 टी। क्लियर? यहाँ पे देखिए a बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2t की, तो 2t क्यूब प्लस 2t इसकी करेंगे माइनस 2t क्यूब, ये t है ठीक है, माइनस 2t क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस 2t टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, अंडर रूट ये पावर हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर, तो ये पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 2 माइनस 1 बाय 2 हमारे पास रहेगा 3 बाय 2 बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, a बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और ये कैंसिल आउट हुए, हमारे पास बचा 4t, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2। ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि हम ये वाला भी नीचे ले आए, ऊपर a रह गया, यहाँ पे ये 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 4t कैंसिल आउट होने के बाद 2t प्लस 2t 4t टी स्क्वायर प्लस 1 हाफ माइनस हो गया 2 माइनस 1 बाय 2 3 बाय 2 बन गया। क्लियर? ये आई हमारे पास डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू। अब हम डी वाई बाय डी टी वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देन हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए को हम ले लेंगे बाहर, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। अब हमारे पास दो फंक्शन है, इन दो फंक्शन में देखिए हम कैसे करेंगे, टी को एज इट इज़ लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
इसका हमने अभी अभी डिफरेंशिएशन किया है, हमारा डिफरेंशिएशन आया है ये 40, यानी कि ये पूरी ही वैल्यू हमारे पास आई है 40 बाय, यहाँ पे ये हम लिखेंगे 40 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस ये एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब हम टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है। अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ए बाहर ले लेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में यहाँ चले जाएगा ऊपर, जिस तरह से हमने इसका किया एज इट इज़ हम इसका कर रहे हैं, क्योंकि ये टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इसका ही डिफरेंशिएशन था ये, तो इसको हम कर रहे हैं, ये आएगा टी बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 40 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ये प्लस में है, इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी वाई बाई डी टी हमारे पास आएगा ए इंटू 4t स्क्वायर, क्योंकि 40 इंटू टी 40 स्क्वायर बन गया हमारे पास, और ये बना 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। अब हम इनका लेंगे एलसीएम, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले टर्म हम लिख लेते हैं, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 3 बाय 2, क्योंकि 3 बाय 2 जो वैल्यू है वो क्या है 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ये वाली वैल्यू है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ये हमारा एलसीएम बन गया। एलसीएम बनने के बाद देखिए 4 टी स्क्वायर ये पूरा इसके नीचे है, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बाहर हम ए ले लेते हैं, बाहर हमारा प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट और टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट और 2, ये सारा इसके डिवाइड में ये था, जब हमने एलसीएम लिया तो ये सारा इसके मल्टीप्लाई में चला गया, इसकी पावर 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 और ये सारा इसकी मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आएगी, ए हम बाहर ले रहे हैं तो 4 टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2। अब देखिए आगे हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, हम इनको रव कर सकते हैं क्योंकि हमने ये सभी सम कर लिए, ठीक है। तो देखिए डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या आएगा, ए हमने बाहर ले लिया, 4 टी स्क्वायर इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे प्लस 2 हम बाहर ले लेंगे एक बार, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2, ठीक है।
अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बनेगा 4t² प्लस 2t4 माइनस 2 बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2। अब यहाँ से देखिए इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे बन गया 2। ठीक है, अब हम निकाल देंगे डी वाई बाय डी एक्स। जब हम डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे तो अब ध्यान से देखिए डी एक्स बाय डी टी के बाय में भी ये पूरा पूरे का पूरा नीचे डी एक्स बाय डी टी में 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 बाय 2 और ए भी हमारे पास है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन एक बार यहाँ पे हम वापस वही लिख देते हैं 4 2 और 2 यहाँ भी 2 क्योंकि हमारे पास यहाँ भी बाय में 2 है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, ए 4t² प्लस 2t4 माइनस 2, अब तो हमें वैल्यू रखनी है, सोल्व हमारा हो चुका t² माइनस 1 t² प्लस 1 की पावर 3 बाय 2। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी को हम नीचे लेंगे, डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म ए यानी कि ये बन जाएगा ऊपर 480 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2, तो ये नीचे वाले कैंसिल आउट हुए, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए से ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 4t² प्लस 2t4 माइनस 2 बाय 4t। यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है कॉमन लेके, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ माइनस 1 और यहाँ 2, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बहुत ही ईजी सम था बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्यों, क्योंकि हमने इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल दोनों साथ में अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टी इंटू में 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में गिवन थे इसलिए। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, बहुत ईजी सम था ये, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकेंड सम x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए यहाँ पे और एक्स और वाई हमें गिवन है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वही क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2t। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, फिर इसका करेंगे माइनस 2t प्लस 2t क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हुई, हमारे पास आया माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डी वाई बाय डी टी, इसमें भी क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, 2t का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2t एज इट इज़ और इसका डिफरेंशिएशन 2t, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी हमारे पास आया 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो ये बना 2 माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी बाय में डी एक्स बाई डी टी हम करेंगे, तो देखिए 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का
होल स्क्वायर बाय डीएक्स बाय डीटी हमारे पास आया माइनस फोर टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगी, सेम है तो टू इंटू वन माइनस टी स्क्वायर बाय फोर टी, माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर टी था हमारे पास, ये कैंसिल आउट हुए, हमारे पास आया माइनस वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी। दिस इज द आवर डिफरेंशिएशन। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, वन वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी प्लस एक्स बाय वाई, एक्स वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर बाय वाई, वाई टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल आउट, हमारे पास बचा वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी, माइनस आगे प्लस, ये हमारे पास बचा वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, बोथ कैंसिल आउट हुए तो ये आया जीरो। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये थे हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही इजी सम थे सारे, आई होप कि आपको ये सभी सम क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।